हेलो बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो है प्लाज्मा एंड आरबीसीज। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक कलरलेस लिक्विड है, मतलब उसका कोई भी कलर नहीं होता। विच मेनली कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस, जिसमें 90% तो होगा वाटर और 10% होगा अदर सब्सटेंस, जैसे कि वाटर और इसमें हो सकता है ऑक्सीजन, CO2, अदर सब्सटेंस में। ओके, इसका फंक्शन जो होता है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड O2। ये O2 को और CO2 को डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट पार्ट तक ले जाने में हेल्प करता है। फिर देखेंगे हम RBCs। इट इज़ रेड इन कलर। RBCs जो होती हैं रेड इन कलर होती हैं, लाल कलर की होती हैं। कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, जो वो रेड कलर की होती हैं वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होती हैं। अगर उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ना हो तो वो रेड कलर की नहीं होंगी। विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। इसका वर्क भी होता है कि ये भी O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करें। थैंक यू बच्चों।